हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का सिलेट एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल बनाने का काम बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है और इसके लिए चाइना का एक कंपनी को टेंडर दिया गया है और उसका नाम है बीजिंग अर्बन प्रोजेक्ट्स ग्रुप। और इस कंपनी के द्वारा बांग्लादेश के सिलेट एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके अंदर एक टर्मिनल बिल्डिंग, एक कार्गो बिल्डिंग, एक एटीसी टावर और एक फायर स्टेशन तैयार किया जाएगा। और जब ये टर्मिनल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब सिलेट एयरपोर्ट का टोटल पैसेंजर होल्डिंग कैपेबिलिटी 6 लाख से बढ़कर 20 लाख तक चला जाएगा। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी कंपनीज सिलेट एयरपोर्ट के इस नया टर्मिनल बनाने का टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से चाइना का इस कंपनी का बिड सबसे लोएस्ट था, इसीलिए चाइना के इस कंपनी को सिलेट एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल बनाने का काम दिया गया है। और इस नया टर्मिनल बनाने का कीमत होगा 2116 करोड़ टका। और इस टर्मिनल के तैयार हो जाने के बाद सिलेट एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए। और ये जो टर्मिनल बनाने का काम है, इसको लेकर चाइना के इस कंपनी के साथ डील ऑलरेडी साइन हो चुका है। और इस टर्मिनल बनाने के लिए टोटल 3 साल के करीब करीब टाइम लगेगा। और चाइना के इस कंपनी के साथ सिलेट एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को लेकर डील साइन होने के बाद बांग्लादेश और चाइना का रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चाइना काम कर रहा है और चाइना का इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के लोगों के लिए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।